लेके आई, गर्मा गर्म गुंदी गाठी आई, पापा लेके आए। तो अभी रसोई भी बन चुकी है, मस्त मिला। तो अभी सबको गोला खाने का है। तो सत्संग में भी जाने का है, और के लिए अभी मैंने भी कपड़े चेंज कर दिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू व्लॉग। तो अभी सुबह सुबह सब काम अभी पड़ा है और गुंदी गाठिया लेके बैठ चुके हैं, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। तो सबको हनुमान जयंती की खूब सारी शुभकामनाएं। मुझे मैं भूल गई थोड़ा। तो अभी शुभकामनाएं सबको, हैप्पी हनुमान जयंती। तो ये मम्मी अभी अपना शेक कर रही है, तो मैं उसके लिए अभी गुंदी गाठिया लेके आई हूँ, गर्मा गर्म गुंदी गाठिया है, पापा लेके आए हैं अभी। तो अभी रसोई भी बन चुकी है और आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है, और पापा की डिश भी रेडी कर दी है। तो ये है बूंदा का संभारा, फ्लावर की सब्जी, दाल, फिर कच्ची केरी की कटकी रोटी एंड क्यूकुम्बर। तो अभी चलो दे आते हैं पापा को। तो अभी लंच पंच वगैरह सब हो गया और रेस्ट भी थोड़ा सा हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं। मैं घर पे आया था और मस्त मिलन खाने के लिए, और ये मैडम को आधा खाने का है और मैं आधा खाऊंगा, और यहाँ पे आराम है पूरा। छः महीने का आराम है इसलिए सो गए, कमर के दर्द है। तो अभी ये मैडम फोन देख रही है, और यहाँ पे मस्टमेलन मेरे के लिए आए हैं। हाफ तेरे को खाने का है, हाफ मैं खाऊंगा। हाफ मैं खा जाऊंगी, हाफ आप खा जाओ। बूंदी खा ले, बूंदी खा ले, बूंदी भी खा ले। पेटी वेटी वगैरह सब खा लिया है, गोपाल नीचे है अभी। मैं उसको बोल रही हूँ कि आप अभी ब्लॉग एडिट कर दो, वो मान ही नहीं रही है, बिकॉज हमें आज शाम को, आज हनुमान जयंती है, तो आज शाम को पापा मेरे पापा के फ्रेंड के वहाँ धुन में जाना है, तो वो मान ही नहीं रहे कि मैं आज जल्दी ब्लॉग बना देता हूँ तो हम लोग टाइम पर पहुँच जाए वहाँ पर। लेकिन नहीं, वो मानेंगे ही नहीं, तो भी वो शाम को ही ब्लॉग एडिट करना चालू करेंगे। तो अभी मैं, मुझे आयन भी करना है, तो वो उसका सामान भी मैंने रेडी कर दिया है अभी, इस्त्री वगैरह सब। तो अभी आज शाम को भी धूम में जाना है, तो कुछ आइटम वगैरह सब हम नहीं बनाने वाले हैं। आज खीर, रोटली और पोटैटो की सब्जी बनने वाली है घर पर, प्योर सादा। और आज हनुमान जयंती भी है, तो पापा के फ्रेंड ने वहाँ पर मारुति धुन मंडल को बुलवाया है, तो हम आज इनका वो एंजॉय करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको भी दिखा दूँगी अभी। तो अभी ये कपड़े फोल्ड भी करने हैं और इस्त्री भी करनी है, तो इस्त्री करके बाद में नीचे जाऊँगी, और थोड़ा सा वहाँ पर भी काम है तो वो पूरा करके फिर रसोई बनाऊँगी, और बाद में रेडी होके जाएंगे हम लोग धुन में। तो अभी सबको गोला खाने का है, तो आइस गोला, तो इधर है, उसको गोला लिया है घर के पास ही, तो अभी उसके पास बनाएंगे। देखो अभी ये सबको आइस गोला खाना था, तो आइस गोला खाने के लिए बैठ गए। ये देखो, ये इसका लो, इसका ये देखो देखो ये भी। अभी किचन में क्या बन रहा है देखते हैं और दिखाते हैं आपको। आज रोटी सब्जी और भाकरी बन रही है, और यहाँ पोटैटो की सब्जी, यहाँ खीर बन रही है, जो दूध वाला भात आता है, और तो अभी खाएंगे, आज देसी खाना है। और अभी इसको बाहर जाने का है, इसलिए कुछ आइटम नहीं बनाए, क्योंकि आइटम बनाएगी तो लेट होगा, इसलिए मैं सादा ही बना दिया है अभी। तो अभी खाएंगे हम लोग। देखो बढ़िया सा कलर आ रहा है, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे ब्राउन, सब अच्छा लग रहा है, तो अभी खाएंगे। तो अभी मैंने खा लिया है और
थोड़ा ब्लॉग भी एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी अर्थ के भाई के वहाँ सत्संग है, तो सत्संग में भी जाने का है। और वहाँ आज हनुमान जयंती है, तो उसने उसके भाई के वहाँ सत्संग बढ़िया सा सत्संग रखा है, तो वहाँ पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे। और हमारा ब्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अच्छा अच्छा कमेंट करिए, तो अपना थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको नया नया कंटेंट देखने के लिए हमको कमेंट करिए कि कौन सा आपको कंटेंट देखना है, तो वो भी आपको कंटेंट बना के आपको दिखाएंगे। और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा लाइक हो। अभी मैंने कपड़ा चेंज नहीं किया है तो ये सब मेरे पीछे पड़ गए, और मैडम रेडी होके बैठ गई है यहाँ पे। मैं अच्छा ही लगता हूँ अभी, देख तू, देखो अभी मैं भी अच्छा ही लग रहा हूँ। ये कैसा लग रहा है देखो, अच्छा ही लग रहा हूँ भाई। अच्छा से शर्ट बट पहन के आओ जाओ, वहाँ पे भजन कीर्तन ही है, वो दूसरा कुछ नहीं है। क्या देख रही है? आपको सासरे पर जाना है तो अच्छे से कपड़े पहन कर जाना चाहिए, कोई दो तीन लोग बातें करे ऐसा नहीं करना चाहिए, जाओ कपड़े चेंज करके आओ। कोई बात नहीं करेगा, अच्छा ही बहन है इसलिए। ये कैसा लग रहा है देखो अभी, अच्छे से शर्ट बट पहन के आओ जाओ। फाइनली अभी मैंने भी कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि अभी सब लोग बोल रहे थे कि अच्छे नहीं लग रहे हो, इसलिए कपड़ा चेंज करके जाना होगा। तो अभी मैंने कपड़ा चेंज करके अभी मैं निकल रहा हूँ। लोग पहुँच चुके हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा म्यूजिक ही चालू हो गया हो रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर है पुष्टि धाम हवेली। मिनट का ब्रेक पड़ा है तो आइसक्रीम भी आ गया नाश्ते में। अभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं दूसरी बार खेलने के लिए। तो अभी हम घर आ चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो आज की ये धुन इतनी मस्त थी, आपको मैं क्या बताऊँ, आप जब देखोगे आपको पता चल गया क्या चल जाएगा ये छोटे छोटे बच्चे कैसे करताल बजाते हैं। तो ये श्री पवन सुत जो ट्रस्ट है वो क्या सेवा करते हैं यार, मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब छोटे छोटे बच्चों की जो आप करताल बजाते हुए देखोगे तब आपको पता चलेगा ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। वो लोग बता रहे थे कि महीने में 2 या 3 दिन ही अपने परिवार के साथ शाम को रहते हैं, बाकी सब दिन वो लोग करताल बजाने में ही निकाल देते हैं। तो वो सेवा का कार्य है एक, तो इतनी सेवा करते हैं सब लोग। अच्छा, और कब कोई धुन नहीं होती तो वो लोग सब गायों की सेवा वगैरह सब करते हैं, उसको सेवा बोलते हैं भाई। तो भी
हम लोग घर आ चुके हैं एंड मेरी चैनल लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार करो. मिलते हैं अगले व्लॉग में. थैंक यू. गुड नाइट. बाय बाय.